हाय गाइस, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ के बारे में जो कि बेबीज़ में काफ़ी हद तक पाया जाता है, जिसके रीजंस के थ्रू हमारे जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ऑल्दो ये जो डिजीज़ है वो इतना सीरियस नहीं है, बट ये आपके बेबी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और आपको भी एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जिस डिजीज़ की आज मैं बात करने वाली हूँ वो है दोस्तों कॉलाइक। कॉलाइक मतलब कि बच्चों के पेट में मरोड़ उठना। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको ये डिजीज़ फेस करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंस रीजंस जो कॉलाइक के कॉजेस हैं, वो उसके साइंस और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके कुछ होम ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज, ठीक है। कॉलाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं होता क्या है, कॉलाइक है क्या। कॉलाइक बच्चों में ज्यादातर ये होता है कि उनके जो पेट में मरोड़ उठती है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो कौन कौन से रीजंस है चलिए जान लेते हैं। पहला रीजन हो सकता है बच्चे का जो गैस है वो बनना। बच्चों में गैस होना कॉमन बात होती है, क्योंकि वो ऑल्दो बहुत छोटे से होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता। उन्हें हर चीज डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनका जो डाइजेशन सिस्टम है उस टाइम पे वर्क कर रहा होता है। ये पहला रीजन है कॉलाइक होने का, कि उनके पेट में गैस, मतलब सबसे बड़ा रीजन है गैस का होना बच्चों के पेट में। जो बड़ों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है, अगर हमको गैस हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो छोटे से बच्चे हैं। ये एक रीजन हो सकता है। और उस टाइम पे जब बच्चे कॉलाइक फेस कर रहे होते हैं, जब बच्चों के पेट में मरोड़ होती है, उस टाइम पे बच्चों का जो गैस है वो ऊपर की तरफ अगर आ रहा हो और तो उनका जो गले है उसमें भी दर्द होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने अभी बात करी कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है जब वो छोटे से होते हैं उस टाइम पे। ये एक बहुत दो बहुत बड़े रीजंस हैं बच्चों में कॉलाइक होने के। तीसरा है इंटॉलरेंस ऑफ एलर्जीज, मतलब अगर आपके बच्चे को एलर्जी है तो आप अगर उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस चीज पे, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो आपको बोल के नहीं बता सकता, वो आपको ही थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे क्या ऐसे साइंस मेरा बच्चा दे रहा है। कुछ बच्चे ही मैं कहूंगी, ज्यादातर बच्चों में ये चीज नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिजीज है जिसमें बच्चा दूध भी पचा नहीं पाता, जिसको दूध से भी एलर्जी होती है। तो ऐसा कॉजेस हो सकते हैं कि भले आपका बच्चा बहुत छोटा सा है और भले ही वो सिर्फ आपका ब्रेस्ट फीडिंग ही करा, तो भी चांसेस है कि आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने के बावजूद भी कॉलाइक की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उन बच्चों को, वो बच्चे कुछ ज्यादा डिजीज के साथ पैदा होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ बच्चों में ही ये चीज पाई जाती है, ज्यादातर बच्चों में ये चीज होती नहीं है, बट ये एक रीजन हो सकता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, चौथा एक हो सकता है सेंसिटिव बेबीज। जो कुछ बेबीज होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव इन द सेंस कि वो जरा सी भी आवाज से डर जाते हैं। ज्यादातर बेबीज डर ही जाते हैं, बट कुछ बेबीज होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कि उनको जो भी उनका जो टेंशन होता है, ज्यादातर रोते हैं। कुछ आपने देखा होगा कुछ बेबीज बहुत ज्यादा रोते हैं। उनका एक तरीका होता है अपना जो मेंटल टेंशन है उसको दूर करने का, बाय क्राइंग। वो जो काफी जल्दी टेंस हो जाते हैं या फिर बहुत नोइजी, जैसे कोई एकदम से उसको नोइजी जगह पे लेके जाएं, कुछ क्राउडेड एरिया में लेके जाएं, तो एकदम से रोने लग जाते हैं अगर बेबी, तो उन बेबीज को कॉलाइक होने की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ठीक है।
पांचवा हो सकता है कि मदर का जो डाइट और लाइफस्टाइल है, जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं मम्मीज लोग, जब उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि अगर माँ का जो डाइट स्टाइल जो है वो अगर अच्छे से ना हो तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि बच्चे को कोलाइक हो जाए आफ्टर बर्थ। उसमें सबसे ज्यादा चीज पाई गई है स्मोकिंग। प्रेग्नेंट मदर्स को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को और उसके कोलाइक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जब भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोक करती है। तो दूसरा है इम्बैलेंस ऑफ हेल्दी फूड, मतलब उसका हेल्दी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज हमारे आसपास हैं उसमें कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, कुछ जो हमको शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे बैक्टीरियाज, अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता वैसे, बट ये जो ऊपर की मैंने पांच चीजें बताई उस चीजों में आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ साइंस हैं, अगर ऐसे कुछ कॉजेस हैं तो आपके बच्चे को कोलाइक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस वेदर आपका बच्चा इज फेसिंग कोलाइक और नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा रहेगा बताने के लिए वो है द क्राइंग पैटर्न इज डिफरेंट। बच्चों का स्पेशली कह सकते हैं या फिर ओनली वे है टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ्स की बाय क्राइंग। वो क्या चाहते हैं, उनको भूख लगी है, उन्हें खाना है या फिर उन्हें घूमना है या फिर उन्हें सिर्फ आपके पास आना है, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रोकर ही एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके वो बोल नहीं सकते। सो वो एक उनका वे होता है आपको बताने का, बट इन केस ऑफ कोलाइक बच्चों का जो क्राइंग पैटर्न है, जो रोने का पैटर्न है, वो एकदम चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल पैटर्न आपको पता चल ही जाएगा कि आपका बच्चा नॉर्मली जैसे रोता है वैसे रो रहा है या फिर वो कुछ और रीजन से रोता है। बच्चों का जो इस टाइम पे बच्चों का क्राइंग पैटर्न एकदम, मतलब रोने का जो होता है ना, एकदम शुरू ही रहता है, बहुत तेज तेज रोते हैं, बहुत तेज तेज टीस मार के रोते हैं, या फिर आप देखना कभी अपने आपके बच्चे, अगर आपका बच्चे का पैर है ना उसको ऐसे मोड़ के और ऐसे चिल्ला के रोते हैं, उसको आप बहुत बड़ा साइन मान सकते हैं कोलाइक होने का। दूसरा है कि आपका बच्चा जो है रोते टाइम पोस्चर चेंज करता है, मतलब अगर वो रो रहा है तो उस टाइम पे वो ऐसे इस साइड में हो जाता है या फिर इस साइड में हो जाता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो गैस है ना उसको घुमा रहा था, मरोड़ उठती है ना तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है बच्चे को, तो वो एक साइन जान सकते हैं आप। दूसरा तीसरा एक साइन हो सकता है कि आपका बच्चा एक एक टाइम पे रो रहा हो, पर्टिकुलर टाइम पे आपका बच्चा रो रहा है, क्योंकि जो मरोड़ है वो जो कोलाइक है वो थोड़ी थोड़ी देर में उठता है, तो आप उसको नोटिस करना कभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके बच्चे में अगर ऐसा सिम्टम्स है तो ये सबसे ज्यादा नोटिस करने की जरूरत है कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे रोता है, कुछ मिनटों के लिए रोता है फिर चुप हो जाता है फिर रोता है, ऐसा अगर है तो उसके कोलाइक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, हमने बात करा कुछ साइंस के बारे में जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कोलाइक है या नहीं। अब कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में मैं बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे को कोलाइक है तो उसे काफी आराम दिला सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा बताने के लिए कि फेनल सीड्स, मतलब सौंफ के एक से दो टेबल स्पून ही टी स्पून सौंफ आप गर्म पानी में डाल के रख लीजिए और उसे अपने बच्चे को दो से तीन बार दिन में पिलाते रहिए, उससे आपके बच्चे को काफी आराम मिलेगा कोलाइक से। दूसरा है बेजिल लीव्स, बेजिल के सूखे पत्ते आप गर्म पानी में डाल के रख दीजिए और उसे बच्चे को सिर्फ दो बार दिन में पिला दीजिए, उसको दो से तीन टेबलस्पून भी पिला देंगे तो भी बहुत है, इतना भी आपका बच्चा पी ले तो बहुत अच्छा है आपके बच्चे को सूद करने के लिए।
तीसरा आप कर सकते हैं हींग। हींग दोस्तों बहुत ही ज्यादा नोन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सब जगह पे यूज होता है। ज्यादा सारे पेरेंट्स एक ना एक बार अपने बच्चे पे हींग यूज करते ही करते हैं टू रिलीव देयर गैस, टू स्टमक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सो हींग का एक पेस्ट बना सकते हैं, थोड़े से वाटर के पीसी ड्रॉप्स डाल के और उसका एक पेस्ट बना के अपने बच्चे के पेट टमी पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके नाभि पे अप्लाई ना करें, उसके साइड्स में जो है थोड़ा थोड़ा आराम से आप अप्लाई कर दें। एक दिन में एक या दो बार कर देंगे तो भी बहुत है, आपके बच्चे को उससे काफी आराम होगा। जैसे उसका गैस रिलीफ होगा तो ये जो मरोड़ उठने का जो सिस्टम है ना वो भी काफी उसको सूद कर देगा। दूसरा है बर्प करवाना अपने बच्चे को एवरी फीड के बाद। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसके एवरी फीड के बाद आप उसे बर्प करवाएं। बर्प करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो अवेलेबल होते हैं चैनल्स पे, आप उसे देख सकते हैं। आप अपने बच्चे को ऐसे दूध पिला के ऐसे कंधे पे रख के और उसे टैप करके और उसे थोड़ी देर ऐसे ऐसे थपथपा के और रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ऐसे रखेंगे थोड़ा ऐसे सूद करेंगे तो भी वो आराम से बर्प कर लेता है बच्चा। वो बहुत जरूरी होता है, वो रिड्यूस करता है गैस को जिससे कोलाय की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। दूसरा है आपके बच्चे को जेंटल नी बेंडिंग एक्सरसाइज करवाएं। या तो आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप वो लेटा हो उस टाइम पे जब आप मसाज करते हैं अपने बच्चे की, उस टाइम पे उसकी नीज को ऐसे ऐसे बेंड करें। बैंड करने से क्या होगा, गैस रिलीफ हो जाएगी और बच्चे को ये जो कोलाय की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरा है बॉडी मसाज जो है एक ऑयल से करें और डेली बेसिस पे बॉडी मसाज करें। बॉडी मसाज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ड्यूरिंग, जब तक कि वो चल नहीं पाता तब तक आप अपने बच्चे को दे ही दे, जरूरी है ये बॉडी मसाज देना। कोई भी ऑयल से आप बॉडी मसाज करें, ये आपका चॉइस है, आप देख सकते हैं कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो ऑयल आप अपने बच्चे पे यूज करें। बट बॉडी मसाज के टाइम पे आप जब भी अपने बच्चे की बॉडी मसाज करें तो उसके टमी एरिया पे आप अच्छे से रिलैक्सेशन वाली मसाज करें जिससे आपके बच्चे को काफी अच्छा फील होगा और उसकी ये जो कोलाय की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरा है अप्लाई वार्म कॉम्प्रेशन, जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो तब उस टाइम पे उसके टमी एरिया पे हल्का हल्का प्रेस करते रहें। एक्सरसाइज आती है मसाज करने के लिए, आप अपने बच्चे के अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको पूरा मसाज का जो तरीका है वो आपको एक बार वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। दूसरा है बच्चे को क्यूमिन सीड्स देना। क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा। जीरा तो हम सबके लिए बहुत ही कह सकते हैं रामबाण इलाज होता है। बच्चे को गर्म पानी में जीरा मिला के आप पिलाते रहें। और नई मदर्स जो होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर मदर्स जीरे का पानी पिए तो उनका जो बेली फैट है वो भी बहुत कम हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है बेली फैट कम करने का आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। सो ये कुछ रेमेडीज थी जिससे आप अपने बच्चे को कोलाय से की परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरा और कुछ आप तरीके ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका आपके बेबी को थोड़ा शांति मिले या फिर आप उसकी इस जो प्रॉब्लम है जो डिजीज है, डिजीज ही कह सकते हैं, कि आप उसकी इस जर्नी को थोड़ा आसान बना सकते हैं बाई उसके लिए सिंग करें, एक सॉन्ग गाएं उसके लिए, आप जैसा भी चाहें वैसा गाएं। फिर या तो आप दूसरा कर सकते हैं जो आपका रॉकिंग पैटर्न है, बच्चे को ना थोड़ा थोड़ा जो पोस्चर चेंज करते रहे रॉकिंग का, थोड़ा घुमाए उसे, फिर बहुत एक अच्छा तरीका है। आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्ट करना हर इंसान मतलब बड़े लोगों के भी ये काम आता है। अगर उस टाइम पे अगर पेन हो रहा है और आप अपने बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी और चीज में लगा रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो वो भूल जाता है अपने दर्द को और उसे काफी आसानी होती है और आपको भी काफी आसानी होती है उस जर्नी को फेस करने में। दूसरा आप कर सकते हैं, आप बच्चे को के लिए कुछ म्यूजिक स्टार्ट कर दें, हल्का म्यूजिक घर में अगर रहे, एलेक्सा ला सकते हैं आप अपने घर में, वो भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है बच्चे के लिए। दूसरा है आप अपने बच्चे का जो डाइट है उसे चेंज कर दें।
उसको अगर आप आपको लग रहा है कि क्या शायद ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बच्चे को खिला रही हूँ जिससे बच्चे को मतलब कॉन्स्टिपेशन के चांसेस और गैस रिलीफ बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यूज कर सकते हैं आप उसको खिलाने में, और ये बहुत अच्छे मतलब सोर्सेज हैं जिससे आप अपने बच्चे को सूद कर सकते हैं और उसकी ये जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, मैं अब अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।